न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बर्जर पेंट का इंट्राडे ट्रेड हमने यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के साथ में इनिशिएट किया था, और सबसे पहले हम इंट्राडे ट्रेड का एनालिसिस या रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि बर्जर स्टॉक इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस, ये वीडियो अपलोड किया था 14 आवर्स एगो। ये कल मैंने अपलोड किया था हमारे चैनल पे, और यहाँ पर बताया था कि किस तरह से अगर स्टॉक इस सप्लाई जोन में आता है तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है तो आप यहाँ पर आके, इस चैनल पर आके इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं हम बर्जर पेंट के स्टॉक की तरफ। जैसे कि ये स्टॉक आज ओपन हुआ था 470 को, और इसने हाई बनाया, 570 को ये ओपन हुआ था, और इसने एक हाई बनाया 570.10 का, और वैसे ही ये स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया। 556.10 का इसने यहाँ पर एक लो भी बनाया हुआ है। अभी ये स्टॉक 560.70 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हम रिव्यू कर लेते हैं जो कल ट्रेड इनिशिएट किया था हमने इंट्राडे बेसिस पे, और ये ट्रेड इंट्राडे के लिए ही था। अब हम चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे, और वहां पर देखते हैं कि क्या कुछ प्राइस एक्शन इस स्टॉक में हमें आज के दिन देखने को मिल रहा था। जैसे कि कल हमने यहां पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया था ये रेड कलर के रेक्टेंगल से, और बताया था कि ये स्टॉक अगर इस सप्लाई जोन में आता है तो हमें इस स्टॉक को यहाँ पर सेल करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक अपने सप्लाई जोन तक नहीं आया, लेकिन 570 तक ये आया हुआ है, और हमारा सप्लाई जोन स्टार्ट हो रहा था 573.80 से, 574 हम पकड़ के चलेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जब इंट्राडे ट्रेड लेना होता है तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें उस स्टॉक को कहाँ पर बेचना है और उस स्टॉक को कहाँ पर हमें खरीदना है। अब चलते हैं हम 5 मिनट्स के चार्ट पे, और 5 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे कि क्या कुछ प्राइस एक्शन आज इस स्टॉक में देखने को मिला। जैसे ये स्टॉक ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद इसने लो बनाना स्टार्ट किया। ये 5 मिनट्स का चार्ट है जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 26 अगस्त आज का डेट है 26 अगस्त। और जैसे ये स्टॉक यहाँ पर, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले 5 मिनट्स का जो चार्ट है उसे हमें एनालिसिस कर लेना चाहिए, और वहाँ पर जब तक हमें कंफर्मेशन ट्रेड का नहीं मिलता है तब तक हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हम सप्लाई जोन के पास में थे, और 5 मिनट्स के चार्ट में देखिए ये स्टॉक विदाउट सप्लाई जोन के अंदर आए, यहीं से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। जबकि कल मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो, जो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने साफ साफ कहा था अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ पर इसका डिमांड जोन है, और ये स्टॉक को अपने डिमांड जोन के पास में यहाँ पर बाय आपको करना है, और जो कि डेली ट्रेंड अप है तो हमें इस स्टॉक को यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो स्टॉक था यहाँ से नीचे आया, 5 मिनट्स का चार्ट है ये, और इसने यहाँ पर एक फुल बेरिश कैंडल फॉर्मेशन किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, और उसके बाद फिर एक थर्ड कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ 567। तो हम यहाँ पर एक इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे 567 से लेके, तो हम यहाँ पर 565 तक का हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसको इस कैंडल पे 567 पे शॉर्ट करने के बाद ये स्टॉक लगातार नीचे की ओर आता रहा, और यहाँ पर जो हमारा 30 मिनट्स का डेली जो डिमांड जोन था उस डिमांड जोन पे हमें यहाँ पर 556 पे एग्जिट होना था। ये डिमांड जोन के अंदर आया नहीं स्टॉक, लेकिन 5 मिनट्स के चार्ट में, जब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे स्टॉक यहाँ पर आ रहा था, और आपको पता था जैसे हमने कल इसका टेक्निकल एनालिसिस किया था कि 5 मिनट्स के चार्ट में ही हमें देखना है कि कब हमें एग्जिट होना है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट को ओवरऑल
यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो जैसे ये एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक बुलिश उसने लॉन्ग लेग वाला कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन किया, लेकिन ये कैंडल इसके 20-30% तक ही बन पाया, और उसके बाद जो कैंडल बना उस कैंडल ने इसको 70-80% कवर कर दिया, तो हमें इस कैंडल पे ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था 567-568। और स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस मैंने जो बताया था आपको कि अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 570.40 का इस कैंडल के ऊपर, एक कैंडल छोड़कर। और उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ, और 5 मिनट्स के चार्ट में कहीं पे भी कोई ऐसा कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ कि हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिले। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्टॉक ने आने के बाद यहाँ पर एक रिवर्स हैमर यहाँ पर बनाया है, ये बॉटम था, और वो भी हमारा जो डेली डिमांड जोन था उसके पास आने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में एक रिवर्स हैमर बनाया, और हैमर बनाने के बाद यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन, लॉन्ग लेग डोजी फॉर्मेशन हुआ, जिसने इस प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से उसके हाई से भी ज़्यादा हाई बनाया। इस कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद इस कैंडल पे हमें ये स्टॉक को एग्जिट करना था 556 या 557 या 557.60 तक हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते थे। और आप यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर डेली डिमांड जोन था, और डिमांड जोन के पास आप यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे जो कि एक लॉन्ग ट्रेड हो सकता था, क्योंकि ये स्टॉक वैसे भी बुलिश है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स उभर कर सामने नहीं आया। इस कैंडल ने इसको इंगल्फिंग करने के बाद भी ये जो सेकंड कैंडल बना यहाँ पर एग्जिट पोजीशन ही था, और उसके बाद ऐसा कोई यहाँ पर 5 मिनट्स के चार्ट पे कोई कैंडल फॉर्मेशन नहीं बना कि जिससे ये बायबैक या पुल बैक करता हुआ स्टॉक नज़र आए। अभी भी स्टॉक जो है वो 559-560 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अगर आप चाहे तो इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट करने के बाद यहाँ एक बाय पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि आप इस डिमांड जोन के पास में थे जब ये स्टॉक यहाँ आ रहा था 556, तो इस कैंडल पे 557.8 तक अगर इसको बाय कर लेते थे तो अभी आपको इसमें भी करीब करीब 2 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल बन रहा था विद इन सेकेंड में। तो ये था बर्जर पेंट का हमारा रिव्यू, जो कि कल के डेट में हमने एक इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर सेटअप किया हुआ था, और अभी भी टाइम हुआ है 1:36। तो मुझे लगता है कि ये जो अगर हम 30 मिनट्स का चार्ट का एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 565 तक जा सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। ये प्रोबेबिलिटी है कि ये जा सकता है, इसके लिए ये इंट्राडे का कोई टारगेट नहीं है कि ये जाना ही चाहिए। हो सकता है कि आज ये जो बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुए दो, तो ये स्टॉक हो सकता है कि 562 से लेकर तो 559 तक ही ट्रेड करता रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि 562 यहाँ पर आने के बाद ये फिर से, क्योंकि इसने ये जो बाउंस बैक जो हुआ है वो डिमांड जोन के अंदर किसी भी तरह की एंट्री ना लेते हुए इसने बाउंस बैक किया हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले ट्रेडिंग में ये प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर यहाँ पर एंट्री कर सकता है, और इस डिमांड जोन को वो रीचेक कर सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।